साल से अपने बात करने का तरीका भूल गई थी। लगता है अब रिवाइज करने का मौका मिला है। मिस्टर यशवंत पंसल, अब सारे पते खुल चुके हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं तुम्हारे धोखे का शिकार हुआ। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो अपनी वफादारी का सबूत पेश कर सकती हूँ। पूछो कैसे? कैसे? आज तक मैंने ये फोटोग्राफ पुलिस को नहीं दिया है। यही मेरी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। कुछ याद आया या भूल गए? मिस्टर यशवंत बंसल, मुझे एक एक पल याद है कि किस तरह तुमने अपनी पत्नी को तड़पा तड़पा कर मारा था, और आज तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मिल गए हो। तुम्हें लगा नंदिता तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसे तरसाओ। इसलिए संगीता की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए तुमने अविनाश को अलग होने की सलाह दी है। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। ये मैंने नहीं बल्कि संगीता के घर वालों ने कहा था। कहा होगा, मगर तुमने उस फैसले पर मोहर तो लगाई थी ना यशवंत। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मिलकर मुझे अलग करने की साजिश कर रहे हो। मगर मैं इतनी आसानी से अलग नहीं होने वाली यशवंत। कागज पर पक्की स्याही से लिखा हुआ मिटाने की कोशिश करोगे ना यशवंत, तो कागज फट जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी से अलग करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी के टुकड़े हो जाएंगे। नंदिता, तू मुझे समझी नहीं। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। मैं करोड़ों का मालिक था, लेकिन तुम्हारी आदतों के लिए सब कुछ गंवा बैठा। यहाँ तक कि तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी पत्नी का खून तक कर दिया। तुम उन लोगों में से हो जो हर स्टेशन को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। तुम्हारा अपना कोई मजबूत इरादा ही नहीं है यशवंत। मैंने कहा ये जगह अच्छी है तो तुम वहीं ठहर गए। किसी और ने कहा कि मंजिल कहीं और है तो तुम वहां चल दिए। और तुम आज मेरे साथ भी वही कर रहे हो। नहीं नंदिता, तुम्हें पाने के बाद मैंने किसी मंजिल को नहीं ढूंढा। ढूंढना भी मत यशवंत, क्योंकि मैं ही तुम्हारी पहली और आखिरी मंजिल हूँ। और मैं तुम्हें 15 दिन का वक्त देती हूँ। मुझे संगीता की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, वरना